हेलो गाइस, तो आज हम कुकी के लिए चिकन की खिचड़ी बनाने वाले हैं। तो ये हमने ले लिया है गाजर, इसको छील देंगे। ज़्यादा नहीं, छोटे टुकड़े करेंगे, मीडियम साइज़, क्योंकि उसको लंबे लंबे खाने पसंद है। आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, छोटे पसंद है छोटे कर सकते हो, पपीज़ के लिए छोटे ही करने चाहिए। बीन्स को भी हम लंबे लंबे ही करेंगे। और ये जब भी बनता है कुकी को बहुत पसंद आता है, चिकन उसका फेवरेट है। तो हम ट्राई करते हैं कि कुछ भी बनाएं, या रोटी के साथ, चावल के साथ, तो उसमें चिकन हम थोड़ा मिक्स करते हैं। अभी चिकन के पीस ज़्यादा नहीं लिए हैं हमने, 2-3 पीस लिए हैं, इतना काफ़ी है उसके एक टाइम के खाने के लिए। बड़े डॉग्स होंगे तो उनको ज़्यादा चिकन आप डाल सकते हो। ये हमने पानी ले लिया है, अब गैस को ऑन कर देंगे। चावल हमने भिगा लिए थे, थोड़े साफ कर लिए थे। चावल भी हमने क्वांटिटी बहुत ही कम ली है, क्योंकि इतनी उसके लिए काफ़ी है। अब इसमें सारी सब्जियां हम डाल देंगे जो भी हमने अभी काटे थे। हमने इसमें बीन्स और कैरेट ही ऐड करे हैं, आप अपने अकॉर्डिंग मटर ऐड कर सकते हैं, या आलू ऐड कर सकते हैं, पम्पकिन ऐड कर सकते हैं। थोड़ी सी हम हल्दी डाल देंगे। अब इसको एक बार हम करछी से हिला देंगे कि वो मिक्स हो जाए। अब इसको ढकने के लिए रख देंगे और 10 मिनट के में ये ऑलमोस्ट बन जाएगा। अब इसमें देखिए उबल आना स्टार्ट हो गया है। अब ये बन गया है, हमने ज़्यादा पानी कम नहीं करा है, क्योंकि थोड़ा लिक्विड उसको पसंद है खाना, और लिक्विड थोड़ा होना चाहिए, क्योंकि डॉग्स को स्टॉक पसंद आता है खाने में। पूरा सूखा सूखा अच्छा भी नहीं होता, उनका पेट ख़राब हो जाता है। अभी हम आधा ही डालेंगे, बाकी हम दूसरे दिन देंगे, क्योंकि ज़्यादा लग रहा है, ये काफ़ी है इतना जितना अभी डाला है। और ये देखिए सामने ही बैठा हुआ है, अब मम्मी उसको बाहर दे देगी खाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।